हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड एंड वी आर बैक अगेन ऑन द साइट ई गान वेबसाइट फिर से चालू हो चुका है बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ इस साइट पे इकट्ठा हो गए थे इसके लिए सर्वर जो है वो थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया था एक्चुअली 24 फोर आवर्स के लिए जो है सर्वर डाउन हो चुका था लेकिन अभी 12:48 हो रहा है मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगा तो ये साइट जो है एक्जैक्टली ट्वेल्व थर्टी को लाइव आ चुका है अब आप वापस से डब्ल्यू क्लिक करोगे अपने ब्राउज़र पे तो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा और आपको ई ज्ञान का वेबसाइट एक्सेस करने मिल जाएगा जहाँ पे एम कॉम पार्ट टू क्वेश्चन बैंक आईडॉल सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो है वो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप सारे पी को जो है वो एक्सेस कर सकते हो ईज़िली तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी 52 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया हुआ है एडवांस ऑडिटिंग डायरेक्ट टैक्स एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंटरप्रेनरशिप मैनेजमेंट इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सारे पी डायरेक्टली आप ऐसे क्लिक करोगे तो वो अवेलेबल हो जाएंगे वेरी ईजीली और आपके सिस्टम पे आप डाउनलोड कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ वेबसाइट को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाओ क्योंकि एमकॉम का एग्ज़ाम जो है वो आगे पोस्टपोन हो चुका है Uh, 19 अक्टूबर को मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जो है वो नया नोटिफिकेशन आ जाएगा तो तब तक आपके पास टाइम है जितना हो सकता है उतना इन एम को प्रैक्टिस करो एज़ वेल एज़ मेरे साइट पर मैं एम सी क्यू मॉक टेस्ट जो है वो वापस अरेंज करने वाला हूँ बिकॉज मुंबई यूनिवर्सिटी जो मॉक टेस्ट अरेंज करता है वो अप टू द मार्क नहीं रहता मतलब हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रहता तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइट पे ऑलरेडी एक एम सी क्यू अवेलेबल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स तो आप इसको दे सकते हो जिसका कॉस्ट है ट्वेंटी फाइव रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस लगा के ट्वेंटी नाइन रुपीज़ का हो जाएगा तो ट्वेंटी नाइन रुपीज़ में आप ख़ुद को आ, एक कॉन्फिडेंस दिला सकते हो पढ़ के आप ये टेस्ट मॉक टेस्ट जो है वो अटेंड कर सकते हो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स एम सी क्यू फॉर एम कॉम पार्ट टू साइट पर अवेलेबल है अगर आप